हे एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नूर्स किचन डेली लाइव व्लॉग। मैं हूं इमराना, इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो मैं आपसे शेयर करूंगी अरबी डिश पुडिंग की रेसिपी। तो सबसे पहले यहां पे मैंने फुल फैट दूध चढ़ा दिया है हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए। उसी में से यहां पे थोड़ा सा दूध बचा लिया है, जिसमें मैं कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच को अच्छे से घोल रही हूँ। इतना घोलना है कि इसका सारा लम्स ख़त्म हो जाए, कोई लम्स नहीं रहे। तो देखिए, हाई फ्लेम पर दूध बॉयल हो गया है। इसमें ऐड कर देंगे शक्कर, 5 से 6 टेबल स्पून इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। उसके बाद छोटी इलायची का पाउडर ऐड करके इसको एक बार और अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब बॉईल होगा तो अच्छे से चलाते हुए ये कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और भी 2 मिनट पका लेना है इसको। इतना इसका थिकनेस आने तक पका लेना है। इसका थिकनेस इतना होना चाहिए कि देखिए, जब चेक करें तो इस तरह का थिकनेस आना चाहिए, मतलब चम्मच पर 1 परत लगना चाहिए, इतना थिकनेस हो। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिश में ब्रेड को अच्छे से अरेंज कर देंगे, एक भी कॉर्नर खाली नहीं रहेगा। अच्छे से अरेंज करके ये जो है कस्टर्ड जो हम लोग अभी पका के रखे उसको अच्छे से फैला देना है। उसके बाद फिर 1 परत ब्रेड को अच्छे से एक एक कॉर्नर को ब्रेड से फिल कर देना है। फिर उसके बाद इस पे जो कस्टर्ड का बाकी फिलिंग बचा हुआ है उसको अच्छे से अरेंज कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक प्याले में फ्रेश क्रीम और 3 चम्मच कंडेंस मिल्क का लिक्विड बना लेंगे इसके जो पुडिंग बना रहे हैं उसके टॉप पे डालने के लिए। तो अच्छे से फेंट लेना है। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर का निकला हुआ दूध का मलाई भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसके टॉप पर पूरा इस तरह से फैला देना है फ्रेश क्रीम एंड कंडेंस मिल्क लिक्विड को। इसके बाद इस पर कुछ ड्राई फ्रूट और केसर से इसको गार्निशिंग कर देंगे और उसके बाद कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में होने देंगे सेट। उसके बाद इसको ठंडा ठंडा इंजॉय करेंगे। तो इस गर्मी में इस पुडिंग को खाकर मज़ा ही आ जाने वाला है। तो आप ज़रूर से ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। इस तरह से इसका कटिंग करके अच्छे से एकदम आराम से निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग जो कंडेंस मिल्क और क्रीम का लिक्विड बना के रखा है वो बहुत ही लिक्विडी लिक्विडी है, इसीलिए ये गिरने लगता है। तो आराम से निकालें। आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो पे पहली बार है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे सुबह न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।